हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों स्टडी फॉर यू चैनल आपके लिए हर पल पल के अपडेट न्यूज लेके आता है, तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करके अभी से जुड़ जाइए और जो पास में नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ओपन कर लीजिए ताकि आपको रीट से जुड़ी हर अपडेट न्यूज समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, रीट के जो अगस्त में होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए रीट परीक्षा तैयारी कर ली गई है। दोस्तों यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा ने यहाँ पे प्रेस नोटिफिकेशन लिखा है, तो दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बता देता हूँ कि कब जारी होगी और किस वक्त आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो यहाँ पे दे लीजिए दोस्तों पूरा प्रेस नोटिफिकेशन है। यहाँ पे राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ, ठीक है, शिक्षकों की भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री के अहम निर्णय, तो क्या क्या निर्णय लिए गए हैं ये अपने यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं। आज की न्यूज है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 24 दिसंबर, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को समय से सरकारी शिक्षक भर्ती का लाभ देने के साथ ही उन्हें विभिन्न नई भर्तियों के माध्यम से उचित अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में मंगलवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में श्री गहलोत ने कहा कि सरकार की मंशा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। तो दोस्तों आपको पता है आज सितंबर में नई व्याख्या भर्ती भी जारी की जाएगी 3,000 पदों पर। तो दोस्तों या जो अभी फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहा था कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ाई जाए, एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ाई गई, इसलिए दोस्तों इनके लिए 3,000 पदों के लिए नई व्याख्या भर्ती निकाली जाएगी। तो दोस्तों ताकि आगे जो उनकी अब तैयारी नहीं है उनको आगे मौका दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों बैठक में तय किया गया कि विगत 2 वर्षों के अध्ययनतरण लाखों अभ्यर्थियों के हितों में मद्देनज़र तथा जुलाई 2020 के प्रारंभ होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में रिक्त पदों पर व्याख्या उपलब्ध हो सके, इसके लिए वर्तमान में चल रही 5,000 पदों की व्याख्या भर्ती परीक्षा 2018 का आयोजन नियत तिथि पर ही किया जाए, ठीक है। दोस्तों यह भी निर्णय किया गया है कि आगामी सितंबर माह में नवीन व्याख्या भर्ती परीक्षा आयोजन करने के लिए शीघ्र प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इसके वर्तमान सत्र में अध्यंतरण छात्र की नई भर्ती के लिए पात्र हो पाए इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग से चर्चा करने पर आयोग ने माह दिसंबर सितंबर 2020 में इस सितंबर के लिए इस परीक्षा के लिए अपनी सहमति प्रदान दी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए अगस्त में होगी 31,000 शिक्षकों की भर्ती, ठीक है। यहाँ पे यह भी तय किया गया है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों में 31,000 पदों को भरने के लिए 2 अगस्त 2020 को आगामी रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। जनजाति आयोग उपयोजन क्षेत्र TSP के अभ्यर्थियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए उनमें से 6,080 पद TSP क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे, ठीक है। तो लेवल 2 की भर्ती के लिए राजस्थान की जानकारी हो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि पहली बार तृतीय श्रेणी लेवल 2 की भर्ती में विषय विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए, चूंकि तृतीय श्रेणी अध्यापक को प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अध्यापन करना होता है, अतः उन्हें राजस्थान के बारे में संभाविक रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए प्रश्न पत्र की विषय वस्तु इस प्रकार तैयार की जाए कि अभ्यर्थियों को राजस्थान के बारे में जानकारी हो। तो बैठक में शिक्षा मंत्री की गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा सचिव श्रीमती मंजू राजपाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। तो दोस्तों को जब भी प्रेस नोटिफिकेशन जारी होगा तो अपने चैनल पर सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा और क्या सिलेबस रहेगा इसके बारे में आपको समय पर जानकारी दे दी जाएगी। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे, ओके बाय।